subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ब्रेन बस के साथ ताहिर गोरा और डॉक्टर रणवीर शारदा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बातचीत करेंगे कि क्या कॉलोनियल हैंगओवर जो है वो अभी तक है, यानी जब चाहे बरतानिया की पार्लियामेंट में, कनाडा की पार्लियामेंट में, या कनाडा के टॉप पॉलिटिशियन या यूएसए के बड़े बड़े लीडर जब चाहे ह्यूमन राइट्स के अपने स्टैंडर्ड्स बनाएं और भारत को कटहरे में ला खड़ा करें, और फिर एनआईआर जो हैं, जो बसने वाले हैं इन दुनिया के हिस्सों में, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और भारत की सरकार कैसे रिस्पॉन्ड करती है और कैसे करना चाहिए और कैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती, ये सब बातें हैं जो आज के ब्रेन बस में हम करेंगे। इन बातों के इर्द गिर्द बहुत सारी बातें खुद ब खुद शामिल हो जाएंगी, अमेरिका की जो इस वक्त की पॉलिटिक्स है, जो कैनेडा की, यूरोप की, इवन भारत की पॉलिटिक्स, वो सब की सब इन बातों की लपेट में आएंगे। इससे पहले कि मैं डॉक्टर रणवीर शारदा जी के साथ बातचीत शुरू करूं, मैं दो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वन बाय वन टू बिगिन द टॉक, जो कि यूके पार्लियामेंट में 3 रोज पहले एक गर्मा गर्म डिबेट हुई, 1.5 घंटा भारत में जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं कोट अनकोट, उन पर बातचीत हुई, उनको लताड़ा भी गया और भारत को सपोर्ट भी किया गया, दोनों तरह की बातें हुई। अगरचे उसी रोज़ एक सेशन में कोई 1.5 घंटा चाइना के इश्यूज़ पर भी बातचीत हुई। अब चाइना पर भी अगर भारत में या इवन यहाँ पर यूके में या कहीं पर बात होती है, तो देखने वाली बात यह कि चाइना पर उसका असर कितना होता है और ये बातचीत कितनी जायज़ होती है, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं यूके पार्लियामेंट में होने वाली भारत के हवाले से जो डिबेट है उसके दो छोटे छोटे क्लिप आपके साथ शेयर करता हूं वन बाय वन। I say that nobody needs to feel under threat from Islam or Christianity in India. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. The question is that this House has considered the matter of persecution of Muslims, Christians and minority groups in India. आपने ये बहुत ही मुख्तसर क्लिप्स देखे डॉक्टर साहब, वेलकम। लेक्चर का बड़ा शौक़ होता है और इसमें जो हम और भी कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, मैंने एक वीडियो शायद आपसे शेयर भी किया व्हाट्सएप पे कल, उसमें ये बात भी की गई कि भाई हम कौन होते हैं भारत पे बात करने वाले, लेकिन इसके बावजूद 1.5 घंटा उसमें बातचीत होती है। तो मेरा जी चाहता है कभी भारत की पार्लियामेंट में ये बातचीत हो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हो रहा है, हिंदू फोबिया इंग्लैंड में कैसा चल रहा है, उसके बारे में क्या रिस्पॉन्ड है, खालिस्तान के बारे में क्यों इतनी एक्टिव बातें वहाँ पे होती हैं, ये भारत को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे जितने दर्शक हैं उनका स्वागत करते हैं और आपको बता देते हैं ये जो प्रोग्राम है ये आपका प्रोग्राम है, ना ये ताहिर साहब का है ना ये डॉक्टर शारदा का है, और इस प्रोग्राम को आप जितनी भी सहायता देते हैं उसके हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपको बता दें कि ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम नहीं बल्कि 24/7 जब भी आप चाहें आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं tagtv.info पर, और वहां पर जाके किसी किस्म की भी कार्ड से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि आजकल के ज़माने में स्पेशली कोविड के टाइम के ऊपर बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, सारी दुनिया में ही फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, और ऑफ कोर्स टैग टीवी जो है वो उससे नहीं बचा हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि जितनी भी बड़ी टीवी चैनल्स हैं दुनिया में, एल जजीरा से लेके CBS और अपने NBC या ABC या फॉक्स, ये सब मल्टी मल्टी बिलियनर्स, इवन हिंदुस्तान के भी जितने चैनल्स हैं वो भी सारे कॉरपोरेशंस के हाथों में हैं, तो इसलिए उनको कोई पैसे की इतनी परवाह नहीं है। कॉरपोरेशंस वाले में अगर कोई चैनल्स लॉस भी करें तो जब वो कॉरपोरेशंस का अकाउंट होता है तो वो अपने उसको लॉस में दिखा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सर्कल नहीं है। इसलिए एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ tagtv.info पर जाके जितनी भी आप हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करें। अब बात करते हैं ताहिर साहब आपके क्वेश्चन की। जी मैं
इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मैं 1952 से, जब से कश्मीर का इशू 1947 से शुरू हुआ है जी, तब से ही ये जो ग्रुप्स हैं खास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये अपने अपने लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज़ में लॉबी क्रिएट करते रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की लॉबी है, लॉबी हिंदुस्तान भी क्रिएट करता है और लॉबी पाकिस्तान भी क्रिएट करता है। लेकिन अफसोस पता ही है, मुझे कोई अफसोस नहीं, एमपी कहाँ बोलते हैं, एमएलए कहाँ बोलते हैं, दैट इज़ देयर राइट इन एनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मुझे अफसोस होता है जबकि एक अपने आप को ये समझने वाला कि मैं सबसे बड़ा अक्लमंद प्राइम मिनिस्टर हूँ जस्टिन ट्रूडो जैसा, जब वो बयान देता है, जब वो इंटरफियर करता है कि हाँ भाई हमें पंजाबी सूबे के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए, तो फिर जब इनका इशू है उसके इशू के ऊपर हमारे हिंदुस्तान में किसी की, मतलब पॉलिटिशियन की इतनी हिम्मत नहीं कि हम कहें जी अच्छा जी क्यूबेक जो है वो अलग होना चाहता है, उसके बारे में आप क्या बात करते हैं। अगर इंग्लैंड की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में ये कोई नहीं आज हिम्मत करता कि हाँ भाई आपका स्कॉटलैंड अलग होने को तैयार ही बैठा, हो ही जाना, आप मेरी आज बात नोट कर लो, अगले 5 साल में स्कॉटलैंड इज़ गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, नॉर्दर्न आयरलैंड मे आल्सो बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इवन वेल्श वाले जो हैं वो भी सोचना शुरू कर दिया उन्होंने कि हाउ वी कैन कम इंडिपेंडेंट। ये इस किस्म की जो अब जैसे सारा ओवन ने जी ये इशू रेज किया इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कि कश्मीर का जो इशू है वो बड़ा नाजुक इशू है, उसको हम कैसे जो है वो सॉल्व, देखिए कोई भी फॉरेन जो कंट्री है वो सॉल्व नहीं कर सकती किसी भी इशू को जी। अमेरिका में हमारी भी लॉबी है, प्रो इंडिया लॉबी भी है और प्रो पाकिस्तान लॉबी भी है, इसी तरीके से कनाडा में तो मुझे लगता है कि प्रो इंडिया लॉबी नाम की कोई चीज़ ही नहीं, बल्कि है ही सारी प्रो पाकिस्तान या प्रो खालिस्तान है जी। इंग्लैंड में यस, इंग्लैंड में भी प्रो इंडिया और प्रो पाकिस्तान लॉबीज़ हैं। ये जो लॉबीज़ काम करती हैं, ये लॉबीज़ काम करती हैं अपने, क्योंकि इनको बड़े आराम मिलते हैं। मैं लॉबिंग पे इशू है ही नहीं मेरा, मैं सवाल भी उठा रहा, नहीं नहीं नहीं, मैं पार्लियामेंट के, मैं ये राइट्स तो होता है एमपीज के पास, मैं ये पार्लियामेंट का एक जेस्चर होता है। नहीं, पार्लियामेंट में जो जो एमपी है जब वो क्वेश्चन रेज करता है तो वो उसका उसका मतलब जो जवाब है जी, अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन तो कोई भी रेज कर सकता है, वो तो कोई भी रेज कर सकता है। इशू ये होता है कि एक एक नॉर्म्स होते हैं, जब एक प्रिसाइजली सेशन 1.5 घंटे का इसी सब्जेक्ट पे हो। हाँ तो नॉर्म कौन बनाता, ठीक है नॉर्म तो मसला ये कि वो चलिए वो उन्होंने कर लिया, मैं इसको कॉलोनियल हैंगओवर कहता हूँ। नहीं देखिए, कॉलोनियल हैंगओवर जो है ना, फॉर एग्जांपल अब अमेरिका में जो लॉबियां बनी हुई है, अमेरिका में भी सेनेट में क्वेश्चन उठते हैं, वहाँ भी बहस होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी कई बार लोगों ने बात किया, क्या वो उनके पास वो कॉलोनियल नहीं, उनके पास वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वही कॉलोनियल हैंगओवर जो है वो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, हां मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नहीं नहीं वो मतलब वो वही मसला है। चलिए आप इन दोनों बातों को अलग अलग रख के दोनों पॉइंट्स को करें। मुझे लॉबिंग पूरी दुनिया में होती है, वो एक बड़ा फेयर काम है, एमपी जो जहाँ पे बोलते हैं बहुत फेयर काम है, ठीक है वो बोले अपना, चाहे वो बिल्कुल बकवास भी कर रहे हो, आई एम सॉरी टू से, उनको वो हमारे, देखिए हमें लगता है ना बकवास, पर उनके लिहाज से नहीं, नहीं उनके लिहाज से इसलिए कि उनको यही काम करना है ना, हम क्रिटिक हैं, हम तो कह सकते हैं कि आप बकवास कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, नहीं अच्छा उनका यही, वो तो आपको पता है इंश्योरेंस ब्रोकर हैं Most of politicians. उनको बेसिकली VVVIP जो ट्रीटमेंट मिलते हैं जी, जिस तरीके से इन कंट्रियों से, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि उनको फाइनेंशियल एड्स मिलती हैं, लेकिन उनको इनडायरेक्टली बहुत हेल्प जो जी, है जी, जी. वो की जाती है, और वो हेल्प जो है वो उनको इस तरीके से अलग किस्म की बात कर देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बात तो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बात करें जी, प्रेसिडेंट बात करें जी, या कोई और बात करें, तब तो मैं समझता हूँ ये इशू जो है ये सीरियस हो सकता है। जब कोई प्राइम 1.5 घंटा एमपी आपस में डिस्कस जी, करते जी. हैं और कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होते, दोस थिंग्स डोंट मेक मच डिफरेंस। डॉक्टर साहब दे दो मेरे ओपिनियन में, मैं तो पिछले 60 साल से देख रहा हूँ कश्मीर के इशू को। मैं 60 साल की बात इसलिए नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ। 60 साल पहले कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता था डॉक्टर साहब, कश्मीर इशू का तो एक ही होता। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, अगर अभी भी
अभी भी ये ताकतें डिक्टेट करना चाहती हैं अपने हिसाब से, ठीक है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक नहीं दो नहीं कई, वो अगर अगर अपने हिसाब से डिक्टेट करना चाहते हैं आज के भी 21वीं सदी में, आज के भी भारत में और आज के भी चाइना में भी, मैं ये बात करता हूँ डॉक्टर, देखिए मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, ये एक मकूला है। मैं आपको कनाडा की पुरानी जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की, बिल्कुल मैं आप खुल के बात करता हूँ, मैं कमेटी का मेंबर था, सिर्फ हम उसमें तीन लोग थे, सिर्फ तीन लोग थे, तीन लोगों को कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने बड़े टॉप लेवल पे दो बातें की, उन्होंने कहा जी कि हम चाइना के वीगर मुस्लिम्स का मसला उठाएंगे, तो हमने सवाल किया कि बाकी भी बहुत सारे मुस्लिम्स का इशू है, उन्होंने कहा नहीं चूंकि हमारी ज़रा चाइना के साथ लगती है, ठीक है। मुझे एक और कमेटी में कहा गया बड़े टॉप लेवल पे कि जी हम अहमदिया कम्युनिटी के हेडक्वार्टर में जाके रिलीजियस फ्रीडम ऑफिस का ऐलान करेंगे, मैंने कहा अहमदिया कम्युनिटी के में क्यों जाके, उन्होंने कहा हम दूसरे मुसलमान ग्रोहों को मैसेज देना चाहते हैं चूँकि हमारी उनके साथ नहीं बनती, ठीक है। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एमडी आपको सपोर्ट करेंगे, मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूं मेरे एमडी जो दोस्त हैं बहन भाई मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन वो आपको वोट फिर भी नहीं देंगे वो इस्लामोफोबिया के इशू पे अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ ही खड़े होंगे इस उम्मीद पे कि शायद वो उनको लीड कर सकें, ये अलग बात है उनको बाकी मुसलमान मुसलमान ही नहीं मानते और इसके साथ साथ ये भी है सम और दी अदर, ये दिमाग में एक फोबिया है हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में कि जो लिबरल पार्टी है वही प्रो इमिग्रेंट है, विच इज़ रॉन्ग। राइट, अगर आप सारी हिस्ट्री देखिए, मैं तो 1968 से यहाँ की हिस्ट्री जानता हूँ, ठीक है कि जब पहले यहाँ पर अलाउ किया जाता था कि any visitor can come and apply for the immigration. Right. 1972 के बाद सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो के फादर ने, हाँ जी सीनियर ट्रूडो ने इस कानून को बंद कर दिया, नहीं यू पीपल हैव टू गेट वीज़ा, राइट, ओनली देन यू कैन एंटर, 74 में ये हुआ, हो गया ये। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो माफ़ किया जितने भी यहाँ आ चुके हुए थे, वो कंजर्वेटिव पार्टी के डिफेंड बेकर ने किया, जो यहाँ आगे हुए थे सबको माफ कर। अगर आज तक हम हिस्ट्री देखें, लेकिन उसमें कोई जाना नहीं चाहता, इस किस्म की एक साइकी क्रिएट कर दी गई है कि सिर्फ तो सिर्फ लिबरल ही आपके साथ, हाँ लिबरल हैं साथी सीरिया के, लिबरल हैं साथी मुसलमानों के आज की तारीख में, कि वो जो भी अप्लाई करता है वो कहते हैं ठीक है आप आ जाइए, उनका रिकॉर्ड भी नहीं देखते, उनका कोई पिछोकड़ भी नहीं देखते, नथिंग, दे डोंट केयर, हाँ जी उनका कोई ऑफिशियल कोई पेपर ही नहीं होता, ये ठीक है। लेकिन मैं बात हम दोबारा वहीं पर आते हैं, आपने उसमें ये भी कहा कि चाइना के ऊपर भी जो है वो रेजोल्यूशन पास होते हैं, दुनिया में सब जगह होते हैं, चाइना के अगेंस्ट तो अब देखिए अमेरिका कितना पड़ा हुआ है ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में, ये चाइना जो है देखिए कंट्री कौन फेस करता है दुनिया को, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, बिल्कुल ठीक, चाइना जो है वो किसी की परवाह नहीं करता, इसलिए अपना ह्यूमन राइट्स वॉच बनाया हुआ अमेरिका के बारे में, बिल्कुल वो अच्छा वो अमेरिका के बारे में बकायदा चीजें बताते हैं, नहीं रिपोर्ट्स जारी होती हैं उनके अपना ह्यूमन राइट्स वॉच का सिलसिला है मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई फ्रॉड है, माफ करना मेरे साथियों, सबसे बड़ा कोई फ्रॉड है वो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं डॉक्टर ये जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बात कर दी आपने, मैं इसलिए कि मैं ये फील करता हूँ कि इसमें सिर्फ जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनको सिर्फ खाने पीने और अपनी तनख्वाहों से ताल्लुक है, जहाँ पर रियल इश्यूज होते हैं वहाँ की वो बात नहीं करते, जो इश्यूज जो चल रहे हैं पिछले कई सालों के वहाँ पर जाके बात करेंगे, उसकी बात करेंगे जो सीरियस इश्यूज हैं, राइट जो सीरियस इश्यूज हैं, हाँ जी जो टर्की में सीरियस इश्यूज हैं, जो और जगह पर थोड़ा बहुत बयान दे देंगे, लेकिन क्योंकि उनको तनख्वाहें मिल रही हैं वो ऐश कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे बताइए ह्यूमन राइट्स 57 कंट्रीज में जहाँ पर मुसलमान राज है, मुस्लिम रिलीजन शरिया लॉ है, तो वहाँ पर कहाँ है? अच्छा एक जितने यहाँ पर दुनिया में
सो कॉल्ड डिक्टेटर्स हैं, दुनिया में सो कॉल्ड किंग्स हैं, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का है। अगर 193 कंट्रीज़ में हम देखें तो 122 प्लस कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। राइट डॉक्टर साहब, मैं इस जो डिबेट है हमारी, जो हमारी डिस्कशन है, इसको एक नया एंगल भी देना चाह रहा हूँ। वो ये एंगल है कि आज आप और मैं ये ज़रा एनालाइज भी करें कि जो भारत के हवाले से, जैसे कनाडा में, अमेरिका में और यूके में ये आवाज़ें उठती हैं जी कि ह्यूमन राइट्स की एब्यूज़ है, कश्मीर में प्रीसाइजली फार्मर्स प्रोटेस्ट में हमने देखा, क्या वाकई ऐसा है? इससे पहले कि हम बातचीत करें, मैं अपने प्रोड्यूसर शिवम साहब से कहूँगा कि तीन क्लिप हैं छोटे छोटे, उनको बिल्कुल शिवम साहब वन बाई वन चला दें। India is not perfect in terms of freedom of religion or belief, and there's been a concerning trend when it comes to four violations, freedom of religious belief, over the past several years. This, of course, is not unique to India. Even in the UK, we have recently seen record highs for incidents of anti-Semitism, Islamophobia, and discrimination against Sikhs and other minority groups. And still, the scale and trajectory of the persecution currently being experienced in India by non-Hindus is very worrying and very disturbing. I point my honourable members to the words of Amit Shah, the Indian Home Minister, who in 2019 described people considered to be illegal immigrants as termites, and said that a BJP government will pick up infiltrators one by one and throw them into the Bay of Bengal. If that's not inflamed rhetoric, if that doesn't inflame the situation, if that isn't, Mr. Chairman, hate crime by the very words of a person in power. Hinduism is the most wonderful religion. When you go to India, as I've been, you realise that it's absolutely part of the DNA of the country. And I don't condone Hindu nationalism in any way, but I do think we need to understand it, that Hindus feel that theirs is the religion of India. But although Hindus are still the overwhelming part of the population, their proportion of the population has been declining. And no doubt this engenders a feeling of threat, which, dare I say it, I mean, I'm not here to lecture anybody else's country, but dare I say that nobody needs to feel under threat from Islam or Christianity in India. In June 2017, in response to the growing violence of Hindu mobs known as cow vigilantes, it was the current Hindu nationalist Prime Minister, Narendra Modi, who spoke out against this violence and proclaimed that killing people in the name of protecting cows was criminal, illogical, and unacceptable. The state acted. It did not sanction the atrocities. Are there atrocities in India? Yes, they are. Are they often perpetrated against religious minorities? Yes, they are. Do they represent persecution by the state? No, they do not. Dr. Sir, हमने तीन क्लिप उसी डिबेट में से सुने। तीनों मुख्तलिफ बातें करते हैं। एक बात जो अभी एमपी ने जो आखिरी क्लिप में की, उन्होंने कहा कि ये इश्यूज हैं, लेकिन ये स्टेट ऑफ द इंडिया या उसकी जो मशीनरी है, ये उनके ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है, ये सोसाइटी के कहीं ना कहीं इश्यूज होते हैं। अब जो मैंने इन क्लिप्स को दिखाने से पहले आपसे कहा था कि हम ये अब ट्विस्ट ले रहे हैं बातचीत में, आप क्या समझते हैं कि ये जो हम बार बार सुनते हैं जी कि कश्मीर में बहुत बुरा हाल हो रहा है जी, पंजाब में बुरा हाल है जी, या मुसलमानों का केरला में या इधर उधर है, दिल्ली राइट्स की बात हुई, क्या वाकई ये इश्यूज़ हैं या आप इसको कैसा सारा देखते हैं? देखिए, अगर हम डे वन से बात करें, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज मैं ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ, आज के जो हालात हैं, कभी दूर नहीं जाती। हिस्ट्री जो है वो लोगों की साइकी को बना के रखती है। ठीक है, जो लोगों की साइकी बनी हुई है, जैसे कि अभी एमपी ने ये कहा कि हिंदूज ये महसूस करते हैं कि वो मेजॉरिटी में हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी से भी कई बार कम गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, हिंदूज जो हैं वो डे बाई डे कम होते जा रहे हैं हिंदुस्तान में, विच इज़ डेफिनेटली आफ्टर मे बी 30 years, 40 years, इट लुक्स लाइक कि हिंदूज विल बिकम इफ़ नॉट द माइनॉरिटी बट इक्वल टू अदर कम्युनिटीज़।
अच्छा, ये जब फियर आ जाता है तो फिर ऑफ कोर्स हर रिलीजन में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हर रिलीजन में जो गर्म तबीयत के लोग होते हैं, हैं, उनको आप कोई इंग्लिश का वर्ड दे दीजिए, हाँ, लेकिन जो गर्म तबीयत के लोग होते हैं वो फिर इसका फ़ायदा उठा के वो कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में दूसरी कम्युनिटी के साथ किस किस्म का व्यवहार किया जाए। दैट्स नंबर वन। नंबर टू जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हिंदू जब लूज़ कर रहे हैं तो उनको नज़र आता है पावर दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है जी। उनको ये नज़र आता है कि हमारी जो पावर है वो आने वाले टाइम के ऊपर वी मे लूज़ इट। जहाँ तक आपने बात किया 1984 के रॉयट्स की, हाँ जी, मतलब दिल्ली के रॉयट्स, नहीं नहीं, मैं ये दिल्ली के रॉयट्स, ये अभी रीसेंट वो देखिए दिल्ली में अगर हम उस पर दुनिया में बहुत बात हुई ना, बात इसलिए हुई कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया कि वो एक महीना बैठे रहे। एक महीना डॉक्टर साहब, तो कई महीने शाहीनबाग की बात, मैं मतलब वही मैं आखिरी एक महीने को लेता हूँ ना शाहीनबाग। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया बैठे रहे, जब उठ के आप प्रॉब्लम खत्म हो गई ना, जब उठा दिए गए तो वो तो कोविड ने उठाए, गवर्नमेंट ने कहाँ उठाए, कोविड ने नहीं उठाया, डॉक्टर साहब कोर्ट ने, नहीं ना ना ना, कोविड की बेसिस ली कोर्ट ने, कोर्ट ने कोविड की बेसिस ली थी, जैसे जो भी नो नो नो, मतलब हमें फैक्ट्स पे फैक्ट्स में रहना है। फैक्ट्स यही है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि आप यहाँ पर बैठ के नहीं सड़कों को रोक सकते जी, ये ऑर्डर थे, उस ऑर्डर के मुताबिक वो उठा दिए गए, लेकिन वो कम से कम वायलेंट नहीं थे। जो जो वायलेंट होते हैं प्रोसेशन वो खतरनाक होते हैं। जैसे नहीं ट्रंप गए थे जब इंडिया तो ट्रंप को दिखाने के लिए बहुत वायलेंस हुआ खौफनाक 25 फरवरी को पिछले साल, वो उस पर किताबें भी लिखी गई डेली राइट्स के नाम से। ये जो रीसेंट बात, चूँकि वैसे तो हिस्ट्री में हम उठाएं तो वो बात उठ सकती है। मेरा डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये नहीं था, क्या वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, डॉक्टर मेरा आपसे ये सवाल नहीं था, मेरा आपसे ये सवाल था कि ये जो दुनिया वावेला मचाती है कश्मीर के हवाले से जी, मुसलमानों के साथ सी ए के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा जुल्म हुआ, ये वाकई आप समझते हैं? मेरा ये बेसिक सवाल। नहीं नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए कश्मीर जो है ये तो बहुत डिले हो गया। कश्मीर शुड हैव बीन ए पार्ट राइट फ्रॉम द डे 1948 जी। नेहरू ने सबसे बड़ी जो मिस्टेक की है, मैं बार बार ये कहता हूँ, दैट वाज हिज बिगेस्ट ब्लंडर। आई डोंट नो व्हाई ही लव्ड कश्मीर सो मच इन दैट सेंस कि उसको अपने मतरे बेटे की तरह रख रखा हुआ था, उसको अपना बनाओ, उनको अपना बनाना चाहिए। मुझे लगता था हेट था उनका कश्मीर से, मसला ही नहीं हल किया उन्होंने कश्मीर। वही मैंने कहा ना, नहीं मतलब पुत्र का मतलब ये है कि उसको अपना नहीं बनाया जी, जो बनाना चाहिए था उसको मर्ज करना चाहिए था उसी वक्त। जब आपकी लड़ाई से आप जीते हो एक एरिया, आप लड़ाई से जीते हो, कोई शांति से थोड़ा जीते हो, आपके जवान मरे, उनके जवान मरे, आपने उसके बाद वो एरिया जीता, जब एरिया जीत लिया तो देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, अब अगर हैदराबाद में हमने फौजें भेजी, हाँ जी, पटेल ने हैदराबाद को साथ मिला लिया, तो इसका क्या मतलब, हम कहते नहीं जी कि आप इंडिपेंडेंट रहो। गोवा में बहुत बाद 67-68 में शायद गोवा को शामिल किया गया, वहाँ से पुर्तगाल को भगाया गया, तो क्या हम कहते कि हम नहीं जी नहीं आप सेमी इंडिपेंडेंट रहो। जब आपने एक एरिया ले लिया वो आपका एरिया, इसी तरीके से दुनिया में जो भी कंट्रीज एक दूसरे के एरिया को, अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या जी? कि कुछ कंट्रीज जो के प्रो पाकिस्तानी हैं वो इसको एनेक्सेशन का नाम देते हैं जी, वेयर एज दीज पार्ट दीज थिंग्स वर देयर एज पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ये तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है पाकिस्तान भी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है बर्मा भी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है इवन बांग्लादेश एंड इवन श्रीलंका। वो तो पूरा यूरोप, जिस तरह पूरे यूरोपियन कंट्रीज पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट में आते हैं, इसी तरह उस रीजन के सारे जो कॉन्टिनेंट के उसके हिस्से वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है, लेकिन उन सब कंट्रीज की अपनी अपनी सोवरेनिटी अब है, अब है, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं ना, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन नहीं डॉक्टर, मेरा इशू वही है कि आप ये समझते हैं कि कोई ह्यूमन, चूंकि हमारा फोकस ये है कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस की ये जो बातें की जाती हैं, लेक्चर दिए जाते हैं, दो दिन पहले फिर यूके पार्लियामेंट में लेक्चर ही है ना कि भाई ये है, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं समझ पा रहे ना
नहीं नहीं, वो समझना नहीं चाहते, ये नहीं कि वो समझ नहीं सकते, उनको समझ है, वो सब कुछ है, वो बकायदा जवाई बने हुए हैं एक कंट्री के, कोई हिंदुस्तान का कोई पाकिस्तान का, नंबर वन। नंबर टू, देखिए आप बात ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, अरे पॉलिटिशियनों के आगे तो माइक आना चाहिए, उनका तो मतलब यही है बोलो बोलो बोलो, जो प्रो पाकिस्तानी है वो प्रो पाकिस्तानी बोलता रहेगा, जो प्रो इंडियन है वो प्रो इंडियन बोलेगा। फ़र्क ये होता है ना कि जैसे कैनेडा की पार्लियामेंट में अभी तक जस्टिन ट्रूडो ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, अलग से स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर बैठ के नहीं दी हुई है, जब कभी कनाडा की पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी तो वो इम्पॉर्टेंट होती है, और वो भी डेढ़ घंटे की। ये मैं आपको बता दूं, जो सिख जेनोसाइड का इशू यहाँ की पार्लियामेंट ओंटेरियो में पास हो चुका हुआ है, बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि आने वाले टाइम के ऊपर दैट विल आल्सो बी डन इन द पार्लियामेंट ऑफ कनाडा। जब वो होगा तो तब तो हम बात करेंगे ऑफ कोर्स। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ किसी मुल्क की फेडरल पार्लियामेंट में, अभी तक बहरहाल कनाडा की फेडरल पार्लियामेंट में इस लेवल की डिस्कशन नहीं हुई है। नहीं नहीं, दैट्स फाइन, कनाडा में नहीं हुई, अमेरिका के सेनेटर्स कर चुके हुए हैं, लेकिन सेनेटर्स का भी करना हाउस में नहीं हुई डॉक्टर साहब, स्टैंडिंग कमेटियों में होती है, फर्क होता है। नहीं, स्टैंडिंग कमेटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इवन हाउस। नहीं डॉक्टर, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं, नहीं फर्क होता है। मेरे मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन समझता हूं, मैंने कनाडा की कई स्टैंडिंग कमेटियों में बातें की हैं। नहीं, स्टैंडिंग कमेटी आप कनाडा ही छोड़िए, अमेरिका की स्टैंडिंग कमेटी मच मोर इंपॉर्टेंट, वो होती है, कनाडा से इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन डॉक्टर साहब जो हाउस में होता है, जो जब पार्लियामेंट के फुल सेशन में जब बात होती है, दैट इज फाइन, वो कोई रेजोल्यूशन थोड़ा पास नहीं, नहीं, जब रेजोल्यूशन आएगा तभी बात होगी। डॉक्टर साहब रेजोल्यूशन का नहीं मसला, मेरा पॉइंट शायद हम मिस कर रहे हैं कि जब पार्लियामेंट में किसी दूसरे कंट्री के बारे में, ये कोई युगंडा तो नहीं है ना इंडिया, ठीक है, इंडिया कोई साउथ अमेरिका का कंट्री तो नहीं है ना, नहीं है तो फिर इंडिया जब ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, देखिए जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्लियामेंट, डिफरेंट डेमोक्रेसी देन एनीवेयर एल्स, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर हिंदुस्तान के बारे में कहीं बातें हो रही हैं गलत ढंग से, तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उसको अपने पूरे दम से उसका मुकाबला करे और उसको रिप्लाई देनी चाहिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी। वो मैं रिप्लाई भी आपको दिखाऊंगा इस पर, जो जो हाई कमिश्नर वो हाई कमिश्नर है ना, पार्लियामेंट में हुए तो ये भी पार्लियामेंट में उनको करना चाहिए, वो करना चाहिए एक अलग बात है, लेकिन हाई कमिश्नर किसी भी कंट्री का हो, किसी भी मुल्क का जो एम्बेसडर होता है, वो तो देना ही है, देखिए वो हर कोई देगा, वो उस कंट्री में, दैट इज अ रूटीन। जैसे कनाडा में इंडिया के हाई कमिश्नर ऑफिस जो है वो इंडिया ही समझा जाता है, राइट, लेकिन वो देखिए वो रूटीन में है, जो भी जब भी कोई इंडिया के अगेंस्ट बात आएगी कनाडा में, वो कनेडियन हाई कमिश्नर उसके बारे में बयान जरूर देगा, दिस इज द रूटीन, वो ठीक है, देयर इज नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट, वो हम इसमें भी बात करेंगे डॉक्टर साहब। अब मैं दो आपको ऐसे वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, उस पर कुछ सवालात उठते हैं, मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताइए, दो क्लिप जो है ऊपर तले अगर हमें दिखा दें, ताकि फिर हम डॉक्टर साहब से पूछे। But I would argue that India's record on minority faith stands up to scrutiny. I do not accept that there's evidence of systemic or state-sponsored persecution of religious minorities. And when it comes to protection of freedom of religion and belief, I think the more important focus of this House should be on places like Pakistan, where forced marriage and forced conversion of young Hindu and Christian women is a very serious problem. And from where Asia Bibi had to flee for her life after years of imprisonment. Trump 2.0 in charge in India, in the form of Narendra Modi, we are witnessing before our eyes the scaling down of secular liberal rights that the Indian democracy once hailed itself for. Power politics has an interesting link with the legitimacy of an individual, and especially in the case of Narendra Modi, a man once barred from the US because of his alleged role in the 2002 Gujarat massacre that saw over 2,000 Muslims murdered and gave him the title of being the butcher of Gujarat in some newspapers. तो दो डॉक्टर साहब यहाँ पे जो लेडी पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने बातें की, एक तो मिस थ्रीसा ने कहा कि बात यह है कि वो इंडिया पर फोकस करने के बजाय ज़रा पाकिस्तान पे ज़्यादा फोकस करें, जहाँ हिंदू बच्चियों का डेली बेसिस पे
ابیوز ہو رہا ہے. دوسری طرف جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کی ایم پی ہیں مس ناز شاہ, تو انہوں نے وہی ایک مانترا دہرایا, اس پہ میں ضرور آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ جی وہ وہی بات جو امریکہ میں بھی آج کل ابھی بھی کہی جاتی ہے, کینیڈا میں بھی کہہ دیتے ہیں, میڈیا بھی کہہ دیتا ہے جی کہ نریندر مودی جی کو تو جب وہ چیف منسٹر تھے گجرات کے, ان کا تو ویزا بین ہو گیا تھا. وہ ٹھیک ہے ویزا بین ہوا تھا, وہ بچر بھی کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے. تو یہ اس میں یہ ریٹر ابھی تک ہے, اس کی کیا وجہ ہے, کیوں ہے یہ ریٹر؟ آپ کو کیا مطلب بہت حیرانی ہوئی ہے نادشاہ کے منہ سے؟ یہ نادشاہ جو ہے وہ اپنی لینگویج تھوڑا بول رہی ہے, اس کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے, آئی سی آئی کی طرف سے, آئی ایس آئی کی طرف سے کہ تو نے یہ بولنا ہے, وہ بولتی ہے. تو اس نے تو نیچرلی اینٹی انڈیا کے بارے میں, اینٹی انڈین گورنمنٹ کے بارے میں بولنا ہی بولنا ہے. جہاں تک دوسری تھریسا کی بات ہے, دیکھیے تھریسا نے ایک بہت بڑھیا ورڈ کہا کہ وہاں پر کوئی سسٹمیٹک ڈھنگ سے ایکسپریشن نہیں چل رہا انڈیا میں, دیر از نو سسٹمیٹک ایکسپریشن بائی دا اسٹیٹس. یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر آج بھی جو اسٹیٹس جس میں بی جے پی کا راج نہیں ہے وہ اپنے حساب سے چل رہی ہیں, اور اپنے حساب سے ان کا ریٹورکس ہے, اور اپنے حساب سے وہ بولتے ہیں. آپ نے بات کی تھی مسلم ان کیرلا, کیرلا میں مسلمز آر موسٹ سیف, کیونکہ کیرلا میں مسلم جو ہے وہ پارٹ آف کولیشن گورنمنٹ کے ہیں. جی جی جی, دے آر پارٹ آف کولیشن گورنمنٹ, اور وہاں پر جو سی پی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ تو ویسے ہی آپ کو پتا کہ اوبلائج کرتی ہے مائنورٹی خاص کر کے مسلمس کو, جیسے کہ آج کل ممتا بینرجی لگی ہوئی ہے کہ میرے کو یہ 23% ووٹیں جو ہیں اگر مل جائیں گی تو میں نہیں ہاروں گی. حالانکہ اس کو ہارنا چاہیے, یہ نہیں میں کہتا کہ بی جے پی کی طرف سے ہارنا چاہیے, کیونکہ اس کے اپنے کام پچھلے 10 سال میں لوگوں کے لیے نہیں پراپر ڈھنگ سے کیے گئے. بہت وائلنس بھی رہا, وائلنس بھی رہا, اور جس چیز کے اوپر وہ بنی تھی جی, جس طریقے سر پہ اس نے کانگریس چھوڑی تھی کہ کانگریس جو ہے یہ تو ایک فیملی رن آرگنائزیشن ہے, وچ از ٹرو, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اب وہ اپنے بھتیجے کو جی یا بھانجے کو جو بھی ہے اب سب کچھ اس کو انچارج بنا رکھا ہوا ہے. تو جس چیز کے وجہ سے آپ پارٹی چھوڑ کے جاتے ہیں جی جی, اور وہی چیز آپ اپنی پارٹی میں شروع کروا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو میرا بنیادی سوال اس دونوں کلپس کے حوالے سے تھا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے حوالے سے جو ان کے چیف منسٹر پنجاب کے زمانے کا ایلیگیشن ہے, وہ صرف یہ مس ناز شاہ کی بات نہیں ہے, یہ امریکہ کا مین اسٹریم میڈیا آج بھی لکھ رہا ہے, نیو یارک ٹائم سے لے کے واشنگٹن پوسٹ تک. وہاں تو آئی ایس آئی نہیں بیٹھی ہوئی نا, وہ تو سارے مطلب ویل کنیکٹڈ وائٹ ایلیٹس ہیں. تو مطلب یہ کہ کیا بھارت کی طرف سے اس نیریٹو کو اب تک کیوں نہیں درست کیا گیا؟ یہ تو دیکھیے انڈین گورنمنٹ کی ویکنیس ہے شروع سے ہی. میں نے اب پھر آپ کہیں گے پاسٹ میں, میں نے 52 سے جب سے پہلی بار پرائم منسٹر بنا, وہ ہر لیول کے اوپر بڑے کوشس رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا نام نہ خراب ہو جائے, یا ہماری جو ریپوٹیشن ہے ہم تو بڑے پیسفل ہیں وہ نہ خراب ہو جائے. دس از آل نان سینس. ناؤ یو ہیو ٹو بی اگریسو, یو ہیو ٹو بی اگریسو لائک چائنا, وچ وی آر ناٹ, وی آر ایون 25% آف چائنا. چائنا از دا موسٹ اگریسو نیشن ایٹ دس مومنٹ ان ایشیا. اس قسم کی جو سائیکی ہے وہ ہماری انڈین کسی بھی انڈین گورنمنٹ نے جی ہے, اب 7 سال ہو چلے مودی صاحب کی گورنمنٹ کو بھی, انہوں نے بھی 7 سال میں کوئی ایسی نہیں اگریسو پالیسی اڈاپٹ کی جس کے رپلائی جو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا منہ توڑ رپلائی جی, وہ منہ توڑ رپلائی میں نے آج تک نہیں دیکھی انڈین سرکار کی طرف سے, جو کہ ہونی چاہیے. نہیں ہوگی تو دے ول کنٹینیوسلی ٹو اسپریس یو, آپ کو وہ آپ کی گردن کے اوپر ان کا ہاتھ رہے گا, وہ دبوچتے رہیں گے. بالکل ٹھیک, آپ اپنی گردن کو دبوچنے سے باہر نکالنے کے لیے تھوڑا سا چائنا سے اور کچھ نہیں سیکھنا تھا, تھوڑا سا یہ سیکھ لیجئے کہ بی اگریسو. اس کا کیا مجھے بتائیے, چائنا کے اوپر اتنی سختیاں لگا دی ہے, چائنا کی اکانومی 1 ٹریلین اور بڑھ گئی, وہ نہیں فرق پڑا کل ہی, نہیں کل ہی آئی رپورٹ, اور وہ میری رپورٹ نہیں ہے, وہ رپورٹ ہے اپنے ان کی یونائٹیڈ نیشنز کی ایک ایجنسی کی. اچھا ان کی 1 ٹریلین ہوگی بڑھ گئی,
तो मेरा मतलब ये कहने का है कि उन्होंने तो परवाह नहीं ना की, तो हम क्यों परवाह करते हैं, हम क्यों सोचते हैं कि हमारा नाम कहीं बदनाम ना हो जाए। बस ये एक बहुत बड़ा मसला है डॉक्टर, हमारे लीडर ये सोचते हैं। आप कहते हैं चाइना से सीखे, ये तुर्की से नहीं हमारे भारत के लोग सीखते। बताइए, तुर्की का टेलीविजन एक छोटा सा कंट्री है, उसका टेलीविजन अपना पूरा प्रोपेगेंडा बैठा हुआ अमेरिका में अंग्रेजी चला रहा है, इनका कोई है ही नहीं। नहीं नहीं, ये है क्या, आज तक सोच भी नहीं रहे, सोच भी नहीं रहे। अरे जो जो आपके प्रो टीवी चैनल, कम से कम उनकी तरफ देख लो, आपके बाद आपने बनाना हो, रशिया ने बनाया, रशिया की इकॉनमी इंडिया से कम है। कतर ने अल-जज़ीरा बनाया, इतना स्ट्रांग, चलो कतर के पास तो पैसा बहुत था। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, मतलब इंडिया एज अ कंट्री तो कोई इशू नहीं है ना उनका। नहीं, नहीं, बना, मैं वही कहता हूँ ना कि इनको इनको अगर नहीं बनाना वाशिंगटन डीसी में, तो ये किसी और कंट्री यूरोप में बना लें, हाँ जी, और जहाँ इनका दिल करता है वहाँ एक टीवी चैनल खोल लें, हाँ जी, बताएं इनको आदमी चाहिए तो। नहीं नहीं, हमने डॉक्टर साहब अंग्रेजी टीवी चैनल थोड़ा सा शुरू किया है इसी इसी काम के लिए, वो उनको बात ही नहीं सुनते। नहीं 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 नहीं, वो मतलब जो बात यह है कि वो दिमाग में ये बात ही नहीं जाती कि हमारे जो लोग ऑलरेडी हमें मदद कर रहे हैं दुनिया में, जो हेल्प हमारी कर रहे हैं, जो इस वक्त हमारी बगैर किसी फाइनेंशियल हेल्प के, हाँ जी, अपनी जानों के ऊपर खेल कर, नंबर वन, हाँ जी, आपको भी बहुत धमकियाँ मिली, मुझे भी बड़ी धमकियाँ मिली, आपकी जानों के ऊपर खेल कर अगर वो लोग अपनी जेब से इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके, या हमारे जो दर्शक हैं, हाँ जी, उनकी हेल्प से जब वो टैग टीवी और इन्फो पर जाके हमें डोनेट करते हैं, तो इस वजह से हमारे जो है छोटे छोटे चैनल चल रहे हैं। अरे चलते हुए चैनल को, जिसको कि मिलियंस ऑफ पीपल सी, राइट, ताहिर साहब के प्रोग्राम ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको 8-8 मिलियन लोगों ने देखा हुआ, तो जब आपके पास ऑडियंस रेडीमेड ऑडियंस है, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। वो तो छोड़िए गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स बाहर हैं, कम से कम वही रिकग्नाइज कर लें कि हाँ भाई, हमारे लिए कोई ना कोई तो ऐसा है आदमी जो कि रात दिन लगा हुआ है। नहीं, उनके तो बेचारों की नौकरियाँ हैं, वो अपनी नौकरियों के चक्कर में, नहीं नौकरियों में कम से कम बड़ा कोई कर सकते हैं जी अंदर अंदर से। उनकी क्या बात करें, आखिर में इस इशू में एक हमारे पास क्लिप रह गया, वो मैं चाहता हूँ जरूर दिखाएं, फिर हम आगे मूव ऑन होते हैं। Imagine that there had been debates in the Indian Parliament all through the troubles in Northern Ireland, accusing the British government of persecuting the Catholic minority in Northern Ireland. और यहाँ पर एक ट्वीट भी है जो हाई कमिश्नर ऑफिस यूके ने दिया, वो ट्वीट भी हम देखते हैं स्क्रीन पे। उन्होंने कहा कि इट इज़ नोटेड दैट द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूके हैव मेट टुडे टू डिस्कस पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर रिगार्डिंग द रेफरेंस टू कश्मीर इन द टाइटल द नीड इज फेल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस ट्वीट में बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, तो एटलीस्ट जो डॉक्टर ने पीछे बात की कि वो तो रूटीन होती है, करना ही होता है, जो भी एम्बेसी होती है भारत की हो या दुनिया की कोई भी कंट्री की एम्बेसी हो, जब उस कंट्री पे किसी भी किस्म का असॉल्ट हो, अटैक हो या एलिगेशन हो, उस सूरत में वो उन्होंने किया है। मैं आखिर में एक और ट्वीट करना चाहूँगा और डॉक्टर साहब से उस पर राय लूँगा, चूँकि अब सरकार अमेरिका में बिल्कुल अगले हफ्ते ऑफिशियली हो जाएगी डेमोक्रेट्स की, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका जो टेक है वो पिछले साल कश्मीर के हवाले से क्या था, उनका एक वीडियो क्लिप तब का मैं आपसे शेयर करता हूं, और आगे हमें क्या तोकोआत हैं, चूंकि अमेरिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। देखिए कमाला हैरिस साहबा का ये वीडियो क्लिप। माई क्वेश्चन इज दैट इन व्यू ऑफ द सीवियर ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, violence against women and children, which includes pellet gun injuries and abductions, what kind of message of hope and support would you send to the Kashmiri people? That's one part. And secondly, what kind of role do you see for the United States in addressing this humanitarian crisis? Reminding people that they are not alone and that we are all watching. Because so often when we see human rights abuses, whether they be in this country or around the world, the abuser will convince those that they abuse that nobody cares.
and that nobody's watching and that nobody's paying attention, which is a tool of an abuser. And so that is part of what I would say. We are watching. Under this administration, they have decimated the State Department, decimated it. And so, as an example of that point, there is currently no ambassador to Pakistan. And that needs to be addressed. Because if the United States in any meaningful way will have any influence on what is happening in Kashmir, we need to have a representative who can be on the ground. आपने मिस कमाला हैरिस का वो पुराना इंटरव्यू देखा और एक अखबार की कटिंग भी जो रिसेंटली है जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि उनकी जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही उनकी बड़ी ही तीखी निगाह होगी कश्मीर के इशू पे। डॉक्टर साहब, अब ऑलमोस्ट ये सरकार अगले ट्यूसडे को आ रही है, ठीक है, इनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था और अभी भी अखबारात रिसेंटली भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो ये कहती हैं कि ये बहुत बड़ी गलती की स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बिगाड़े, अब ये हमें कोई वहाँ पे चाहिए अपना पार्टनर जो कश्मीर पे निगाह रखे। ये तो वही बात हो गई जो 47 से चली आ रही है। कमज़ोरी किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए था वो होना चाहिए था लॉबी। किसी भी सरकार की लॉबी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इट ओनली शोज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दे आर नॉट प्लेइंग अप टू द पॉइंट विच शुड ऑलवेज डायरेक्ट देयर पीपल, डायरेक्ट देयर रिसोर्सेज टू मेक इट श्योर कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स डोंट हैपन। ठीक है, क्योंकि अगर ये कमला हैरिस का आज का बयान नहीं है, कमला हैरिस का पिछले दो साल का बयान भी जो है वो भी अगर सुन ले तो बड़ा क्लियर है। जब इस किस्म की आपको गवर्नमेंट आती नजर आ रही है जी, तो वेर आर योर रिसोर्सेज, वेर आर योर लॉबीज, तो सुन लेगी ये कमला हैरिस या वो दूसरों की बात सुनेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना, क्योंकि दे डू अंडरस्टैंड कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जी with whom we can have relations to counter China. नहीं, वो एक अलग मसला है। नहीं, वो मसला देखो, जो पॉलिसीज बनती हैं वो हर चीज को लेके बनती हैं, कोई एक इशू पर पॉलिसीयां नहीं बनती। डॉक्टर साहब, काउंटर चाइना की सबसे टफ पॉलिसी आखिरी डेढ़ सालों में तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई, मगर उनके सेनेटर्स भी कश्मीर इशू पे मसले को नहीं समझ पाए। तो कौन नहीं समझा पाया? Whose fault it is? क्या चिट्ठियाँ, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आदमी हैं उनको चिट्ठियाँ नहीं डालनी चाहिए थी? बिल्कुल डालनी क्या चाहिए? उनको उनसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? क्या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया जाके वहाँ सेनेटर्स को मिलके एक्सप्लेन करते हैं, जैसे और इन्होंने यूरोप के ग्रुप को बुलाया था, ऐसे सेनेटर्स को बुलाते आओ जी आप कश्मीर को विजिट करो? दिस इज ओनली ए लैक ऑफ आइदर थिंकिंग और सोर्सेज, आई डोंट नो। ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस मसला पर कि इनका भी आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा, लॉबिंग का भी इशू है, लेकिन दूसरी तरफ जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है जहाँ से मैंने बातचीत शुरू की थी, वो जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं हमारे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के, इनको ह्यूमन राइट्स के सिलसिला में लेक्चर देने का तो बहुत शौक है, और उस शौक में ये अपने मुल्क के जो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ हैं उन पे भी ये ढंग से बात नहीं समझते। मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं जी, कनाडा के इंडिजीनियस का मसला पिछले सैकड़ों साल से चल रहा है जी, जी। कम से कम 50 साल से तो बहुत एक्टिव चल रहा है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ तक कि इंडिजीनियस एक कम्युनिटी है एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर आज तक पानी नहीं वो पी सकते अपने एरिया का, हाँ जी, वो नहीं हुआ। अमेरिका में जिस ढंग से पिछले 400 साल स्लेवरी का ढंग चलता रहा ब्लैक्स के ऊपर, और 1965 में पहली बार उनको राइट मिला, हाँ जी, ठीक ढंग से वोटिंग का, और जो लेडीज़ को राइट मिला 1922 में। तो अगर हम ये देखें सारी हिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं जो पेट्रियाटिक सिस्टम है उसने उसको ओवरटेक किया हुआ था। अब जबकि एक रेवोल्यूशन सा शुरू हो रहा है, उस रेवोल्यूशन में क्या इन्होंने अपने जो वहाँ पर अमेरिका में जो गरीब कम्युनिटीज़ हैं या जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, क्या उनको इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से रखा हुआ? क्या उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होते?
क्या आज बात करें हम यूरोप की जी, आज बात करें टर्की की, टर्की में 50,000 आदमी उन्होंने जेल में दिए हुए हैं जी, क्या वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहाँ नहीं है? मैंने पहले भी कहा उस चीज़ को ना आप हम सब भूल जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 122 कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स नहीं है। बात हम करते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है, हाँ। जैसे कि यूरोप है या वेस्टर्न वर्ल्ड या इंडिया है, जहाँ डेमोक्रेसी है, बिल्कुल ठीक, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग। मतलब जैसा कि एमपीज ने कहा और ये बात सच है कि कोई स्टेट मशीनरी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही भारत। थ्रीसा ने कहा वो शैनन ने कहा, ठीक है, खुल के कहा उन्होंने। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। हमने काफ़ी सहरासल बातचीत की, हमने तस्वीर के सारे रुख दिखाने की कोशिश की है, क्वेश्चंस आना शुरू हो चुके हैं। जी दीक्षित जी का क्वेश्चन है कि माय क्वेश्चन इज व्हाई आर द वेस्टर्न कंट्रीज एंड मीडिया ऑलवेज पॉइंटिंग फिंगर्स एट द इंडियन गवर्नमेंट, व्हाई कैंट दे पॉइंट आउट देयर ओन प्रोटेस्ट लाइक BLM एंड द इस्लामिक टेरर प्रॉब्लम इन यूरोप। देखिए वही हमने पीछे बातें की हैं कि बात यह है कि डॉक्टर साहब का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि भारत की सरकार को अब टफ स्टैंड लेना होगा और खुल के बताना होगा। देखिए इसकी मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान इस मामले में आगे है, आई हैव टू बी फेयर। ट्रंप साहब ने कोई 2-2.5 साल पहले एक ट्वीट दिया था कि जी पाकिस्तान ने $33 बिलियन लिए और बेड़ा गर्क इन्होंने हमारे साथ धोखादही की, ये एक धोखा देने वाला कंट्री है। अच्छा उस पर फिर इमरान खान चुप नहीं बैठे हुए, उन्होंने ट्रंप को कुछ 4 ऐसी ट्वीट दी, हाली कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है इकोनॉमिकली भी, पावर के हैसियत से भी, लेकिन ही इमीडिएटली अटैक्ड बैक। ये अब दुनिया में अब यही वतीरा है डॉक्टर। देखिए सोशल मीडिया जो है इसके ऊपर अगर आप काम नहीं करोगे जी, कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट पीछे रह जाएगी, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, मेरा हमेशा ये मानना है कि हमारे एक स्पेशल आदमी होने चाहिए जो कि डील करे इस चीज़ को। देर शुड बी ए ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ भी कोई बात हो राइट वे वो वहाँ पर जाके उन लोगों को उनसे बातचीत करें, उनको समझाएं, उनको कहें कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग, यू हैव सेड रॉन्ग, प्रूव करें, उनको बताएं। कश्मीर का इशू है फॉर एग्जाम्पल, पिछले 70 साल से कश्मीर का इशू खत्म थोड़ा हो गया, राइट, इट इज देयर। लेकिन आर्टिकल 370 उसकी एब्रोगेशन के बाद एक नई डिबेट दुनिया ने शुरू की ना जी, कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई। वो इसलिए वो पहले भी करते थे ह्यूमन राइट्स की, तो वो डिबेट पहले भी चलती थी। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, ये बहुत बढ़ गया, अब 370 के ऊपर ये हो गया कि आपने उनकी इंडिपेंडेंस छीन ली। अरे वो इंडिपेंडेंट कहा थे पहले भी, तो वो इंडिपेंडेंस मिली उनको हिंदुस्तान के झंडे, ये समझ नहीं आती उनको यहाँ के पॉलिटिशियन को, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस मिली। बात यह कि पॉलिटिशियनों को ना समझाने की, इट इज अ लैक ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्टर मसला नहीं है, जो हम NRI के ग्रुप्स हैं जरा उस पर भी रोशनी डाले। NRI के ग्रुप्स तो मैंने जो पिछले देखिए 50 साल में देखे हैं यहाँ पर, उनको तो अपने पहले जो 30-40 साल थे जी, उनको तो अपनी रोटी रोजे के हाँ पड़े हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब ग्रुप्स आ गए जी, जो कि उनके अपने इंटरेस्ट क्रिएट हो गए रोटी रोजी के, जैसे कि खालिस्तानी ग्रुप क्रिएट हो गया जी जी, हाँ जी, उन्होंने अपना रोटी रोजी का एक काम शुरू कर दिया। उन्होंने तो कहा हमारा भारत से ताल्लुक ही नहीं है, हाँ नहीं हमें तो आजाद कर दो, हाँ ठीक है। नहीं मैं अपने वो बात करूं जो हमारे इंडिया नाम के यही मैं सैकड़ों ग्रुप हैं, नहीं यही बताने जी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने बहुत क्लोजली काम किया, आजकल आप कर रहे हैं जी, मैंने तो खैर बहुत क्लोजली काम किया जी, कि यहाँ पर हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश की। आप हैरान होंगे हैं कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं, सारे कहते हम लीडर हैं। अरे भाई ग्रुप बनाओ, ग्रुप के साथ आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिए हैं जी, एक ग्रुप के साथ मिलके, लेकिन आने वाले टाइम के ऊपर अगर वो ग्रुप जो है वो सारों को साथ लेके नहीं चलेगा, राइट, यू नीड द सपोर्ट ऑफ ईच एंड एवरी वन। कम से कम सिख कम्युनिटी में जो आज वो MPs बने हुए हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि कम से कम उन्होंने अपना रुतबा दिखाया, अपनी मेहनत दिखाई, आज वो 20-22 MPs बने हुए हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। हमें क्या तकलीफ है कि हम स्वाय एक दीपक उभराए गए, हाँ जी आज तक कोई अपना MP नहीं बना सकता। नहीं है डॉक्टर, नहीं तो वो तो, अच्छा मैं यहाँ पे एक अच्छी खबर भी डॉक्टर साहब देता हूँ, अच्छी तो कि कनाडा में आज तक कभी भी कश्मीरी हिंदू जीनोसाइड जो एक का मसला था, कभी किसी MP ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं सैल्यूट करता हूँ और थैंकफुल हूँ बॉब सरोया जी का, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट
time ever happened in Canada. कि उन्होंने एक लेटर लिखा है और इसमें लॉबिंग जो की है फ्रेंकली वो इंडो कैनेडियन कश्मीर फोरम विद्या भूषण दार और साथियों ने और हमारे हिंदू फोरम कैनेडा ने, हम दोनों ने मिल के एड़ी जोटी का जोर लगाया, एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है। बॉब सराय साहब हमारे स्कारबरो के एरिया से एमपी हैं और लगातार उसी एरिया के और लगातार वो तीसरी बार एमपी बने हैं जी। तो वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, मेरा ख्याल है बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। देखिए ना डॉक्टर, अभी आपने बात की, बाप सुरैया जी वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सेनेट में भी हमारी भारतीय बैकग्राउंड के लोग रहे, हमारे ओंटारियो लेजिस्लेटिव में भी और दूसरी लेजिस्लेटिव असम्बलीज में भी हमारी, चलिए हम जो हमारे सिख बहन भाई हैं वो तुम्हारी बात नहीं सुनते, चलिए जी हमने ये ज्यूम कर लिया और ये रियलिटी भी है, ठीक है ना जी, वो भारत के कलेक्टिव मैटर पर बात नहीं करते, वो सिर्फ अपने मसले पर बात करते हैं, ठीक ठीक है ना। मैं ये अच्छा, जो हमारे अभी भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे करीबी दोस्त हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि पाकिस्तानी ओरिजिन के एमपी हो या एमपीपीज़ हो, वो ज़रा सी बात होगी तो बगैर किसी के कहे वो कश्मीर के मसला पे, सीए के मसला पे भारत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे देंगे। हाँ। अच्छा, जो हमारे अपनी बैकग्राउंड के यहाँ पर हैं, हमारे एरिया के एमपीपी हैं या और कुछ, ठीक ठीक है, अच्छा वो कभी आवाज़ नहीं उठाते, ठीक है। अच्छा, उनका ये कहना होता है कि भाई हम अपने वोटर्स को नाराज़ नहीं करते, या वो कहना चाहते हैं हम बड़े सेकुलर हैं। अब ये जो वर्ड सेकुलरिज्म है ना, ये भी बहुत खतरनाक वर्ड है, दिस हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एवरीवेयर। सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अमेरिका में सेकुलरिज्म जो है, मुझे तो लगता है कि उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं सेकुलरिज्म की। वो तो है डॉक्टर साहब, अलग शो करेंगे शायद अगली बार, क्योंकि आज हमने इसी पे फोकस रखा, वो चूंकि मैंने ये सोचा था आपके साथ उसमें शो करेंगे हुकूमत बन जाने के बाद जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि कट्टी कट्टा खत्म हो जाए एक बार। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन जी, यस आपका है। सर, व्हाट योर व्यू ऑन इंडियन वुमेन पायलट फ्लाइंग फ्रॉम बेंगलोर टू कैलिफोर्निया? सर आप बताइए इस पर। देखिए बड़ी खुशी की बात है, ये पहली नहीं है फ्लाइट जो कि लेडीज लेके आई थी, उससे पहले भी एक फ्लाइट जो है वाशिंगटन डीसी में वो लेके आई थी, और ये सैन फ्रांसिस्को में फ्लाइट गई थी, 17 घंटे की फ्लाइट थी, जिसमें एवरी पर्सन इन एयरक्राफ्ट, नॉट ऑफ द पैसेंजर्स बट एवरी पर्सन फ्रॉम पायलट्स ऑनवर्ड्स, सिर्फ लेडीज थी जी। तो उनको कंग्रेचुलेशन, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब लेडीज आगे बढ़ती है, बट दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम इंडियन एयर इंडिया जो है उनके एयरप्लेन को लेडीज ही फ्लाई करके ले गई। डॉक्टर साहब मुझे वो, खैर इतनी लंबी फ्लाइट तो नहीं है फ्रांसिस्को और उसके मुकाबले में, 17 घंटे, वही वो सबसे लंबी है, मुझे टोरंटो से दिल्ली 14 घंटे जाने का इतफाक हुआ, डायरेक्ट फ्लाइट और आने का भी इतफाक हुआ, दोनों फ्लाइट्स को लेडी पायलट ही लेके आई। क्या बात, ठीक है ना, ये तो मैं खुद विटनेस हूँ, ठीक है, मैं आई एम वेरी हैप्पी। नो नो, वी आर प्राउड ऑफ आवर भारतीय बेटियां और बच्चियां, we are proud of I am proud of each and every woman on this earth. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन precisely जो कि एयर इंडिया के हवाले से बात हो रही है तो वो हम इसलिए ये बात कर रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन देते हैं टेक एंड हेल्थ टिप्स का, why the western countries are doing so commenting in our internal matter and why they are not talking on Pakistan, they are killing in Balochistan and sending terrorists to other country, they are not teaching them. वही आपका question वही है जिसके हमने answers तकरीबन दे दिए हुए हैं, और उसमें डॉक्टर साहब का एक point बड़ा valid है, उसमें भारतीय सरकार को, भारतीय bureaucracy को, diplomatic corps को बहुत स्ट्रांग होना होगा और एक्टिव होना होगा, एक्टिव होना और अपनी पॉलिसीज चेंज करना होगी और अपनी पॉलिसीज एक्सप्लेन करनी होगी दुनिया में हर एक को, सिर्फ वहीं से दिल्ली से बयान देने से कुछ नहीं बनता, या सिर्फ हाई कमिश्नर बेचारा कह दे चुका उसकी तो जॉब है, मतलब उनका ऑफिस कह दे, वो तो उनका कह, लेकिन अब हाई कमिश्नर को और जो यहाँ पर हमारे एम्बेसडर हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उनको राइट दो कि उनको पैसा दो, उनको राइट दो कि वो अपनी लॉबी क्रिएट करें और जाके उन सेनेटर्स को और एमपीज को जाके मिलें, उनसे बातें करें, लेकिन बात यह है कि अभी ओल्ड स्टाइल चल रहा है, वो अच्छा, वो स्टाइल बदला ही नहीं, बदला ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम तो करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार में तो वो बदलेगा, लेट्स सी आफ्टर कोविड क्या होता है, 7 साल हो गए अभी तो जी, अभी ऑलमोस्ट वही है, अभी ऑलमोस्ट वही है जी। और कुछ दो ही क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है व्हाई यू डोंट टेल दैट अमेरिकन हैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन योर पॉइंट? देखिए बिल्कुल, मैंने तो कई बार कहा है
कि बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि अमेरिकन्स का ये कहना तो बहुत होता है कि ह्यूमन राइट्स के हम बड़े चैंपियन हैं, लेकिन जब ये मिडल ईस्ट में जो सारे का सारा मैस हुआ, अफगानिस्तान में जो मैस हुआ, मैं सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया में और भी बहुत सारी जगहों पर मैस है, साउथ अमेरिका में भी है, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रही हो, इरिस्पेक्टिव डेमोक्रेट्स, इरिस्पेक्टिव रिपब्लिकन, वो उनकी जो इंटरनल बहस हैं उस पर फिर हम कभी लंबी बात करेंगे, लेकिन वो उनका मुकम्मल तौर पर हाथ होता था, तो ये इससे कोई इनकार नहीं। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये एक किस्म के इन्होंने अपने आप को ना वर्ल्ड का किंग समझ लिया, चैंपियन बना लिया, किंग, चैंपियन का किंग, हम डेमोक्रेसी लेके जाएंगे, हाँ हम किंग है। सबसे पहले हमें याद है कि कोरिया के बीच में हाँ जी किस तरीके से इन्होंने वहाँ पर जाके, इनका कोई बिजनेस नहीं था, right. वहाँ पर जाके इन्होंने इंटरफियर किया, वहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों आदमी मरे, दोनों हाँ जी हज़ारों, और फिर जो मंतव था जिसके लिए गए वो पूरा नहीं हो सका, right. फिर आधा आधा नॉर्थ कोरिया रह गया, हाँ. उसके बाद वियतनाम ले लो, वियतनाम में तो वो हार के बाहर निकले, अल्टीमेटली उन्होंने हाथ जोड़े, जी हमें जाने दो, हमारा कोई आदमी मत मारो, हमें जाने दो, आप बाद में इसको जो संभालो। अब आप अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट देखिए, अफगानिस्तान में देखिए कि क्या हाल हुआ, मिडिल ईस्ट में देखिए, इराक में देखिए, वही मिडिल ईस्ट का पार्ट है, इराक सबसे बड़ा मसला तो मिडिल ईस्ट की जब बात करते हैं इराक है। सो ये जो कंट्रीज है ना, ये सारी की सारी बेसिकली सिर्फ नारेबाजी और अपने जहाँ उनके अपने मकसद हैं तो वहाँ ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं, जहाँ मकसद नहीं है, जहाँ पे अटैक करना है, कोई एटम बम मारना, तो दो एटम बम मार के लाखों करोड़ों आदमी मार दिए जापान में। आखिरी क्वेश्चन रहती है जी, टैग स्टडी है जी, एक यूट्यूब का अकाउंट, ह्यूमन राइट्स वाले का क्या सोच के रूल बनाते हैं किसी कंट्री के अलग और किसी कंट्री स्टैंड क्यों? मेरे ख्याल अभी डॉक्टर साहब ने इस बात का जवाब दिया। मैं तो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, हाँ जी, कोई मुझे तो आज तक कोई ऐसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं आई। नहीं डॉक्टर साहब, ये जरा मैंने पीछे भी कहा था, जरा ज्यादा स्ट्रांग है, होनी चाहिए, उनके बगैर बात होनी चाहिए ना, कि सिर्फ देखिए, मैं यूनाइटेड नेशंस को सबसे बुरा ऑर्गेनाइजेशन समझता हूँ, क्योंकि वो पेपर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जितने भी लोग बैठते हैं, आज तक मुझे ये बताइए, यूनाइटेड नेशंस में कोई भी इशू सॉल्व हो, अल्लाह सेंट्रल फाइव जो अपने उनके जो मेंबर्स हैं उसके सिक्योरिटी काउंसिल के, वो एग्री करें तो कुछ हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। वीटो, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो ठीक है आपकी बात, वीटो है, लेकिन फिर भी कोई दुनिया में थोड़ी बहुत कम अज़ कम, और ठीक है, तो वो देखिए डिस्कशन, तो मुझे ये बताइए 120 कंट्री के ऊपर जब लोग बोलेंगे, 57 मुस्लिम कंट्रीज में से जब शरिया लॉ हटवाएंगे, एक सिविल लॉ बनवाएंगे, जब डिक्टेटर जो है दुनिया में खत्म करके, तब मेरे से बात करना। हाँ नहीं, वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब खत्म कर नहीं सकते, वो तो एक बॉडी है, वो कोई गवर्नमेंट थोड़ी है, यूनाइटेड नेशन इज नॉट अ गवर्नमेंट। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज गवर्नमेंट्स, वी आर टॉकिंग आउट ऑफ 193 सिर्फ 50-60 कंट्री हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, राइट है, व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज? वहाँ कोई हाल नहीं। आप अफ्रीका में देखिए, आप युगांडा में इलेक्शन हुआ, हाँ जी, चौथी बार वो प्रेसिडेंट बन गया, उसने ऐसी की तैसी कर दी, वोटें डलवा के, तो ये जो सिस्टम है ना, वहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, साउथ अफ्रीका में सैकड़ों साल ह्यूमन राइट्स का ऐसी की तैसी हो गई, तो ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज के जो इश्यूज हैं, इस वक्त जो इश्यूज हैं, देखिए वहाँ पर भुखमरी, उनके ऊपर सबसे दुनिया का रिच कंट्री बैठा हो, नीचे ब्राज़ील बैठा हो, जो कि अनदर वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज है जी, और ये लोग बीच वाले भूखे मर रहे हो, ये ऐसे। डॉक्टर साहब, आखिर में आप वाइंड अप कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से अपने व्यूअर्स का आज के सुपर चैट में शुक्रिया अदा करता हूँ, आज का सुपर चैट हमारे साथ देखने सुनने का शुक्रिया, याद दिलाता हूँ कि tagtv.info की वेबसाइट पे जाइए, या हमारे इसी यूट्यूब के चैनल पे आइकॉन है डोनेट का, दबाइए, और पेपॉल और क्रेडिट कार्ड के राही आप हमें 24/7 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कंक्लूड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्रोग्राम देखने का, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे कि ताहिर साहब ने कहा कि tagtv.info पर जाके आप जैसे भी चाहें डोनेट कर सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू इन रियलिटी, क्योंकि ताहिर साहब बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी है, वो बहुत इस ढंग से नहीं कहते, लेकिन वी नीड योर हेल्प badly, so please help us as much as you can. Till the next week, हमारी तरफ से आप सबको शुभेच्छाएं. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.